तो हेलो गाइस, फिर से आपको वेलकम करता हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग पे। तो आज फिर से मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, इस फूलों को लेके बेचने की कोशिश करूँगा। और मैं क्या क्या फूल आपको दिखाऊँगा यहाँ में, ये देखिए, यह फूल यहाँ में बॉन्साई लोक है, सेकुलिन लोक है, पाइन ट्री लोक है। यहाँ देखिए आप, काफ़ी वेराइटीज मैंने यहाँ में रखा है और आपको और दिखाऊँगा। और भी है जो मैंने अपनी गाड़ी में लोड कर चुका हूँ। कोंगोलोक है आपका, अमरीला प्लांट्स, सब कुछ है। तो इस पर मैं लेके जाऊँगा आज। तेजू का खूबसूरत सा एक प्लेस है, उसे लामा कैम कहता है, वहाँ मैं जाऊँगा और बेचने की कोशिश करूँगा। तो क्या मुझे अच्छा कस्टमर मिलेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। और वहाँ का सुंदरता को मंदिर को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर, चलते हैं, लेट्स गो टू द लामा कैम तेजू। अब जो देख रहे हो, जो मैंने आधा लाया हूँ, पूरा नहीं लाया, बॉन्साई बनाया हूँ। किसी को इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो आप ले सकते हो। मैं आपको होम डिलीवरी भी कर दूँगा अगर आप लेना चाहते हो तो, अगर सिर्फ लेकिन तेजू के अंदर में। One hour later. तो लामा के मैं आ ही गया हूँ, तो मैं आपको इस मंदिर को भी मैं आपको थोड़ा सा टूर करा दूंगा। लगे हाथ एक तीर में दो शिखर, फूल भी बेचने आ गया और साथ में थोड़ा मंदिर भी आपको दिखा दूंगा। काफ़ी बड़ा है, यहाँ आने से ही लगता है कि मैंने हम चीन में चाइना में आ गया जैसा। बहुत सुंदर है, ये देखो एंट्रेंस यहाँ से किया जाता है, ये जगह से यहाँ से घुसता है और बहुत सुकून है, शांति है। ये है यहाँ का मंदिर, जो काफी बड़ा है, काफी बड़ा और बहुत शांति है इसमें। लोग है जैसा नहीं लगता, नहीं इधर यहाँ में क्लासेस होता है, लामा का टीचिंग क्लास करता है इस तरह इसके अंदर में, और यहाँ पूजा पाठ भी किया जाता है सुबह शाम। ये जो देख रहे हो, इस पर आग जलाता है, इसको मालूम नहीं मेरी इसका हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, लेकिन हर सुबह शाम ये जलाता है ऐसा कहता है, वो लोग कह रहा था। तो इस प्रकार से पीछे से ऐसा लगता है, ऐसा देखने को मिलेगा आपको मंदिर, जो ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। ये गोम्पा, ये देखिए गोम्पा मंदिर। तो ऐसे निकलूँगा दिग्जग का ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके, और जहाँ मैंने फूल रखा है वहाँ जाऊँगा मैं। अभी तक एक भी कस्टमर नहीं है, शायद सब खेती वेती कहाँ कहाँ गया होगा। और शाम को तो मैंने समय ही नहीं है, और दिन को थोड़ा समय, इसलिए दिन को आया हूँ।
तो आई होप कस्टमर आए और फ्लावर्स लेके जाए। एकदम सस्ता में मैं दे रहा हूँ फूल को लेके जाइए, आपको भी ज़रूरी है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर को दे दूँगा, फ़ोन कीजिए, मैं होम डिलीवरी करूँगा आपको। नहीं गर्मी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा एक ब्लॉग, और अगर आपका अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ से निकलूँगा। रिस्पॉन्स तो बहुत सही था कस्टमर का, तो फिर से नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊँगा यहाँ में। तो अभी के लिए यही इतना ही रखता हूँ आज का ब्लॉग को। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।